संदिग्धों को ट्रक करने की ट्रैक करने के मामले में प्रशासन अलर्ट हो गया है। ऐसे मामलों के लिए अयोध्या पुलिस ने रैपिड रिस्पांस टीम गठित की है। अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से यह टीम पूरी तरीके से लैस रहेगी। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर अयोध्या प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। यही कारण है कि अयोध्या में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। टीम में 8 पुलिस आरक्षियों के साथ डॉक्टर भी रहेगा। और वहीं सहायता पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने बताया कि पूर्ण संदिग्धों को लेकर स्थानीय स्तर पर बनी रैपिड रिस्पांस टीम सुरक्षा उपकरणों से लैस होगी। संक्रमण से बचाव के लिए टीम के सदस्यों की सर से पैर तक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। वहीं SSP आशीष तिवारी के निर्देश पर टीम का मॉक ड्रिल कर इसकी क्षमता का परीक्षण किया गया है। एवं CO सिटी अरविंद चौरसिया ने हम लोगों ने यहाँ पे एक मॉक ड्रिल करवाई, जिसमें कि हर थाने पे एक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया था, जिसमें 8-8 पुलिस आरक्षी हैं और इनको सब सुविधाओं से लैस करा गया है। अगर कहीं भी कोरोना के संदिग्ध व्यक्ति की सूचना आती है तो ये थाने में डेडिकेटेड रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है, जो कि तुरंत मौके पर पहुँचेगी। इनको हम लोगों ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाया है, जिसमें कि पूरा ऊपर गियर है, ऊपर से नीचे तक कवर करेंगे, पाँव इनके कवर हो जाएंगे, हाथ में ग्लव्स रहेंगे, ग्लासेस रहेंगे और सिर पर ढकने के लिए कैप रहेगा। साथ ही साथ इनके पास लाउड हेलर रहेगा, सेट रहेगा, अगर कोई भी आकस्मिक ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत ही और फोर्स को बुलाएंगे। साथ में डॉक्टरों की टीम भी साथ में रहेगी और इनको तुरंत दर्शन नगर या मसौदा जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी इनको वहाँ पर शिफ्ट करा जाएगा।